नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वेवल योजना के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेवल योजना के बारे में। काफी दिनों से कमेंट आते हैं मेरे पास, सर वेवल योजना के बारे में बताइए, वेवल योजना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, वेवल योजना के बारे में। वेवल योजना को शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला सम्मेलन। क्या कहते हैं? शिमला सम्मेलन। वेवल योजना को शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। 1943 के अंतर्गत जो थे वेवल साहब, जो थे हमारे भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे 1943 के अंतर्गत वायसराय थे। और इन्होंने एक योजना पेश कर दी जिसको हम वेवल योजना के नाम से जानते हैं। और वो योजना क्या थी कि परिषद के अंतर्गत, यानी जो वायसराय की परिषद होती है 14 सदस्यों की, उसके अंतर्गत सभी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। सभी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, 14 सदस्यों की टीम, सभी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी बात जो करी थी इन्होंने, उत्तरदायी शासन की बात करी थी। किसकी बात करी थी? उत्तरदायी शासन की बात करी थी। और इसी के लिए इन्होंने शिमला में बुलाया था इनको, शिमला में। और कब बुलाया था शिमला के अंतर्गत इनको? 25 जून और 1945 को, 25 जून 1945 को शिमला के अंतर्गत एक बैठ सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत 14 सदस्यों की टीम को सभी के सभी भारतीयों की बात कही गई थी, उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी। लेकिन ये योजना असफल रही। किन कारणों से रही? कारण भी जानते हैं कि किन किन कारणों से यह योजना असफल रही। तो अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख बात है कि कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग आपस में टकराव था। भारत की स्थिति उस वक्त जो थी तनावपूर्ण थी। तनावपूर्ण इसलिए थी क्योंकि 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए थे, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए थे। दूसरी बात इसमें यह आती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी आपस में तनावपूर्ण स्थिति भारत के अंदर। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मांग ये थी, कि 14 के 14 सदस्य, जितने भी 14 के 14 सदस्य हैं, वो सभी के सभी मुस्लिम होने चाहिए। और साथ में इन्होंने मांग करी थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की भी इन्होंने मांग करी थी। किसकी मांग करी थी? एक अलग राष्ट्र की। लेकिन कांग्रेसों ने इनकी मांग का घरा विरोध किया और अलग राष्ट्र की मांग को भी इन्होंने अस्वीकार किया। खैर, इन वेवल योजना के अंतर्गत भी अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उसके अंतर्गत उत्तरदायी शासन की बात करी गई थी, ना कि कोई उत्तरदायी सरकार की बात करी गई थी, ना कि अलग राष्ट्र की बात करी गई थी। साथ में जब ये चुना गया तो 6 सदस्य जो थे वेवल योजना के हिसाब से 6 सदस्य परिषद के अंतर्गत चुने गए थे। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग को ये पसंद नहीं था। वो कह रहे थे कि 14 के 14 सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। साथ में आखिरी के में वेवल साहब ने इस योजना को निरस्त कर दिया। तो यही थी वेवल योजना क्या थी, कि दोनों को बुलाया गया, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने की बात करी गई थी, लेकिन यह असफल रहा था। किस लिए असफल रहा था? मुस्लिम लीग के कारण। मुस्लिम लीगों ने इसका विरोध किया, कहा कि सभी के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। और साथ में इन्होंने अलग राष्ट्र की भी मांग करी थी, इसके लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई और ये योजना को निरस्त करना पड़ा वेवल योजना साहब को। तो यही था आज का हमारा वीडियो, वेवल योजना क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी जरूर करते रहें।